गुड मॉर्निंग बच्चों, अब हम यहाँ पे पार्ट पांच गुनगुना का मुर्गा करेंगे, जो कि आप जानते हैं ये पार्ट छोटी रूप की मात्रा पर आधारित है। इसमें एक कविता दी गई है। पहले हम थोड़े कठिन शब्द को देख लेते हैं, ठीक है? तो मेरे साथ साथ रेडी करेंगे, अब दिखाई दे सबको सही तरीके से। चलो हम रीड करना शुरू करेंगे। मुर्गा मुर्गा, कुर्ता कुर्ता। चिल्ड्रन, छोटी उ की मात्रा है, हमें जल्दी से उच्चारण करना है, ठीक है? सुनकर सुनकर, गुनगुनाता गुनगुनाता, धुन धुन, चुनकुन चुनकुन, चुड़िया, सुन सुन, उसकी उसकी, दुम दुम। अब ये जो शब्द है, ये सारे शब्द आपके इस कविता में दी हुई है। तो हमने पहले इस कठिन शब्द को पहले हमने देख लिए, जो उ की मात्रा है। कौन सी उ? छोटी उ की मात्रा है। आप हम उसके पाठ को शुरू करेंगे, और ये एक सुंदर सी अच्छी सी कविता है। पहनकर मुर्गा ढीला उड़ता, गुनगुना रहा था एक धुन। अब मुर्गा जो है वो कपड़े पहन के वो क्या कर रहा था? गुनगुनाता था, कुछ गाना वो गा रहा था, धीरे धीरे कुछ गाना गा रहा, उसको बोलते गुनगुनाता। चुड़िया आई उतर उतर, उतर गई उसकी धुन। अब जो मुर्गा है वो तो एकदम पहन के ढीला कुर्ता, मतलब उसने एक कुर्ता पहन लिया है और वो गुनगुना रहा है, और इसके पीछे कौन आ रहा है? चुगिया, ठीक है? चुगिया आई और उसने क्या किया? उसके दुम दुम मतलब पूंछ, लंबी पूंछ, जो तो मुर्गा देखे ना सुंदर कलरफुल पूंछ होते हैं ना, लंबी लंबी कलरफुल पूंछ होती है, तो उसको वो उतर जाती है, मतलब बाइटिंग करना, उसको काटना शुरू करती है। दुम दबाकर मुर्गा भागा, खुर खुर सुनकर चुटमुन जागा। अब ये मुर्गा जो है, जैसे ही वो चूहा ने उसके दुम को उतरना शुरू किया, उसकी पूंछ को काटना शुरू किया, ये मुर्गा जो है एकदम तेज जल्दी जल्दी वहां से भागना शुरू किया। वो एकदम डर गया और जल्दी वहां से भागना शुरू किया, और कौन सी कैसी आवाज करने लगा? खुर खुर खुर। अब ये खुर खुर आवाज सुनकर कौन जाग जाता है वहां पे? चुनमुन जाग जाता है। मुर्गा भागा जाता कहता, सुन सुन मुर्गी सुन, चुड़िया उतर गई दो। अब ये जो मुर्गा जो है वो भागता जा रहा था और जोर जोर से बोलता जा रहा था, मुर्गी सुन मुर्गी सुन, चूहा उतर गई दुम, चूहा उसके दुम को उतर गई। दुम मतलब हम लोग क्या बोलते हैं इसको? पूंछ, तेल, तेल को हम दुम बोलते हैं। तो वो जहाँ से भी वो निकल रहा था, जहाँ से भी गुजर रहा था, भाग भाग के जा रहा था और बोल रहा था कि चूहा मेरे दुम को क्या कर गई? उतर गई, काट गई। और यही है आपकी एक सरल कविता, एकदम ईजी और अच्छी सी छोटी सी कविता। इसको चाहो तो आप याद करो और बार बार वाचन तो अवश्य ही करना है, बार बार रीडिंग करेंगे हम, ठीक है? रीडिंग करने से आप और